वेलकम है बेटा आपको चैप्टर टू के अगले पार्ट में, जहां पे हम लोग कह रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी कुछ फीडबैक्स में मुझे पता चलता है कि ये मुश्किल है। आओ देखते हैं सर, मुश्किल है या नहीं है सर। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा, पहला क्या है सर? पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद अ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये वाला पार्ट करा दिया था, बट मैं पूरा कराऊंगा बेटा। डन, आओ सर। पहला क्या बोला? प्रोवाइडिंग मैनेजर। ओए, ये सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट को देता है? बोलो ना पहला पॉइंट। प्रोवाइडिंग मैनेजर मतलब प्रोवाइडिंग मैनेजर मैनेजर को दे रहा है ये कुछ। देखते हैं सर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द मैनेजर, हाँ जी सर दे रहा है सर, लेकिन क्या? विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। पहले से तुमको पढ़ा के भेजता है, पहले से तुमको रियल वर्ल्ड पढ़ा के भेज रहा है। अगला, एडहेरेंस टू दीज प्रिंसिपल, कहते हैं अगर इस प्रिंसिपल को तुम मानोगे विल एड टू देयर, क्या हो जाएगा सर? आपका नॉलेज बढ़ेगा, एबिलिटी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। किसकी? मैनेजेरियल सिचुएशंस की और सर्कमस्टांसिस की। दो बातें समझ में आई क्या सर? तीसरी बात, इट विल ऑल्सो इनेबल मैनेजर, क्या क्या इनेबल करेगा? सीखने के लिए गलतियों से, लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड कंजर्व टाइम। अरे कई बार आपने सुना होगा ना कि हमें अपने बूढ़े पुराने लोगों से सीखना चाहिए। क्या ये सीखना चाहिए कि जो गलतियां उन्होंने करी वो हम ना करें? डन, अभी समझ में आ गया? ओके, इस बूढ़े पुराने में आपको समझ में आ गया ना किन किन लोगों को रखना है? हाँ, मैं बोलने रहा, नहीं लड़ाई हो जाएगी, फीस वहीं से आ रही, नहीं तो बाय। सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम क्विकली। डन, चलो सर, तीन बातें मुझे समझ में आ गई। पहला बात, ये मैनेजर को, मैनेजमेंट मैनेजर को क्या दे रहा है? यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड। दूसरा, अगर आप इसको मानोगे तो आप क्या क्या हो जाओगे? नॉलेजेबल, एबिलिटी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। किस चीजों की? मैनेजरियल सिचुएशन की और सर्कमस्टांसेस की। तीसरी बात, ये आपको पास्ट की गलतियों से सिखाता है। चौथी बात, एज सच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अ मैनेजमेंट कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू हीज सबॉर्डिनेट एंड डील विद एक्सेप्शनल सिचुएशन विच रिक्वायर हीज और हर एक्सपर्टाइज। डन सर, अब मुझे पता चल गया मुझे अपना रूटीन काम किसको देना है? अपने से नीचे वाले सबॉर्डिनेट को, और देने के बाद मुझे क्या करना है? एक्सपर्टीज वाला काम करना है। डन, चलो सर, पहला वाला पॉइंट याद हो गया, जल्दी से इसको रिवाइज करके कमेंट में लिख दो। ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, ये मुझे बताएगा या मुझे आता है? देखते सर, रिसोर्सेस बोथ ह्यूमन एंड मटीरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड। डन, दे हैव टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज। लेकिन ऑप्टिमम यूज कैसे? बाय ऑप्टिमम यूज वी मीन दैट द रिसोर्सेज शुड बी पुट टू यूज इन सच अ मैनर दैट दे शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट। अब ना कई बच्चे मेरे से आके कहते हैं सर मेरा ना शेड्यूल बना दो, मेरा टाइम टेबल बना दो पढ़ने का। अब मैं पहले बच्चे से ये बात पूछता हूँ, बेटा तुम बताओ तुम्हें इंटरेस्ट कब है पढ़ने का? कहते सर आप बना दो मैं पढ़ लूंगा साहब से। नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आपको पढ़ने की आदत अगर रात को है, मैं बोलूंगा बेटा रात को ही बैठ के पढ़ो, चाहे लाख आदमी कोई कोई आपको कुछ बोले। आपका शेड्यूल बना है पिछले पिछले 17 सालों से रात को पढ़ने का, अब आप इस 1 साल के लिए बदल के उसको दिन में पढ़ोगे, खराब हो जाएगा सब। नहीं सर, मेरा शेड्यूल बना हुआ है रात को सोने का, बिंदास सो, 12th अपनी जगह। आपका जो एफिशिएंसी बाहर आएगी ना वो उसी से आएगी, आप अपने पैटर्न में, उस पैटर्न में चीजों को फिक्स करते चलो बेटा। डन, लेकिन मेरे हिसाब से एटलीस्ट 6 आवर्स एंड मैक्सिमम 8 आवर्स आपको सोना चाहिए। 8 घंटे से ज्यादा भी नहीं सोना है। कई बार हमें ना नींद बहुत ज्यादा आ रही होती है, ये प्रॉब्लम है। और कई बार मुझे नींद 6 घंटे से कम आ रही है, ये भी प्रॉब्लम है। इन दोनों का रीजन है डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा नींद का भी और कम नींद का भी। आगे सर, तीसरा पॉइंट बेटा, पढ़ाई के लिए अभी आपका जो समय है ना, आपका समय हर एक 3 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक का टाइम होना चाहिए बस। लेकिन आपके 3 घंटे के बाद आधे घंटे का पढ़ाई का समय निकल रहा है, ऐसा नहीं करना बेटा। प्रिंसिपल इक्विप, देखो ये वाला पॉइंट अच्छा है, सेकंड वाला अच्छा है। प्रिंसिपल इक्विप द मैनेजर, इक्विप का मतलब उसको पिन्हा देता है, क्या क्या? टू फोरसी द कॉज ऑन इफेक्ट रिलेशनशिप
ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। मैनेजर को पहले से ही बात पता चल जाती है कि जो मैं करने वाला हूँ उससे क्या होने वाला है, जो मैं करने वाला हूँ उससे क्या। अरे इंप्लॉयर को, सॉरी वर्कर को सैलरी क्यों मिलती है भाई, ये वाला कूड़ा यहाँ से लेकर वहां पे जमा कर दे, मिल जाएगी सैलरी। लेकिन एक मैनेजर को सैलरी कब मिलेगी ना, जब वो कोई एक डिसीजन ले, उस डिसीजन का रिजल्ट वो पहले से ओनर को बता दे, ओनर साहब ये वाला काम मैं ऐसे करवाने वाला हूं, इससे ये होगा, तब मिलेगी उसको सैलरी। अगर उसने वो वाला काम करवाया और वैसे नहीं हुआ, नुकसान बेटा कंपनी को होगा। इसका मतलब आपका मैनेजर इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसको फ्यूचर देखना चाहिए। देखो बेटा ये बात कह रहा है, प्रिंसिपल इक्विप्स द मैनेजर, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट के, टू फोरसी द कॉज ऑन इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। डन, उसको ये दिखेगा कि उसने क्या डिसीजन लिया और क्या होने वाला है। एज सच द वेस्टेज एसोसिएटेड विद द ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी ओवरकम। और जहां मैनेजर ये बात बोल रहे हैं, अरे यार करके देखते हैं ना, अबे वो गधा मैनेजर नहीं है, वो क्या है, वो मैनेजर नहीं है। अबे मैनेजर तो वो सर ये करने से ये होगा, जिसने ये बात बोल दी ना, ये करके देखते हैं ना सर, अरे वो मैनेजर नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आएगी ऑल इंडिया रैंक, आएगी तो आएगी। जैसे मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, आप भी मेरे पे भरोसा कर लो, अभी अभी ने पढ़ा क्या, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आप मेरे से लड़ो मत सर, नहीं आएगी। अरे मैं बोल रहा हूँ आएगी, आप भी बोला आएगी, हो गया खत्म। अगला सर, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसिटीज इम्पर्सनलाइजेशन ऑफ मैनेजेरियल कंडक्ट सो दैट मैनेजेरियल पावर इज यूज ड्यू डिस्क्रिशन। आपको अपने आप को पर्सनलाइजेशन से अलग रखना है बेटा, ये दोनों चीजें अलग रहनी चाहिए, तभी तो निकल के आएगा क्या मैनेजेरियल पावर। मेरी बात समझ रहा है, फोन लेके यहाँ नहीं आना बेटा, फोन इज डिस्ट्रैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिमिट द बाउंड्री। अब यहां पे देखो ना, यही जो ऊपर बात मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया, इसका रिजल्ट बेटा नीचे आया, सुनना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिमिट्स द बाउंड्री ऑफ मैनेजेरियल डिस्क्रिशन। उसने उस मैनेजर की बाउंड्री क्या कर दी है, लिमिट कर दी है। क्या, दैट देयर डिसीजन मे बी फ्री फ्रॉम पर्सनल प्रेजुडिस एंड बायसेस। मान लिया मेरे ग्रुप में एक ऐसा एम्प्लॉई है जो साला मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, गधा आज इम्प्लॉय बना फिर रहा है, वर्कर बना फिर रहा है, मैं उसका मैनेजर हूँ, तो क्या मैं उसके साथ सिंपथी दिखाऊं, भाई प्लीज तू काम मत किया कर, मुझे तकलीफ, अबे काम कर चुपचाप। मेरी बात समझ रहे क्या बेटा, मुझे ऐसा वाला बनना है, मुझे ऐसा वाला मैनेजर बनना है जिसमें मेरा कोई भी पर्सनल प्रेजुडिसेस नहीं आएगा, ना कोई बाइसनेस लगेगी। नहीं भाई तू मत कर, तू आ जा भाई, आ जा पीछे बैठ मेरे। नहीं सर वही वर्कर है, उसको वर्कर बने रहने, तो वो अपनी हरकतों से वर्कर है, पढ़ लेता टाइम से, 12th क्लास में अच्छा पढ़ता, मैनेजर बनता, वर्कर बन गया गधा। आओ वर्कर नहीं, समझा नहीं गधा, वो मैनेजर है, बट उसकी सैलरी उसको कम्पीट नहीं करी जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में सालों से, लेकिन टॉपर नहीं था वो आदमी। अरे मैं एक कंपनी में पिछले 50 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैनेजर की पोस्ट में एक नया लड़का आता है टॉप करके आईआईएम को, फिर भी उसकी सैलरी मेरे से कम है, जबकि मैंने आईआईएम टॉप भी नहीं किया। अरे मैं तो आईआईएम से हूं भी नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस से। अब इसमें एग्जांपल देख लो बेटा, समझ में आएगा। इन डिसाइडिंग द एनुअल बजट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रादर देन पर्सनल प्रेफरेंसेस मैनेजेरियल डिस्क्रिशन इज बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर एक मैनेजर को एक काम दिया गया है कि कोई काम करना है, इसमें बजट एलोकेशन हो रहा है, तो आप उसमें कंपनी का फायदा देख के बजट एलोकेट करना, अपना फायदा देख के नहीं। जैसे अगर कंपनी ने बोल दिया कि मैनेजर साहब आप गाड़ी ले लो, आपको घर आने जाने में दिक्कत हो रही है, गाड़ी ले लो ताकि कंपनी का नुकसान हो रहा है, आप बस में आते हो लटक के पीछे, ये अच्छा नहीं लगेगा कंपनी को, कंपनी का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो क्या कहता है, सर ठीक है मर्सिडीज ले लेता हूँ। अबे वैगनार लेना यार, मर्सिडीज लेके कंपनी को क्यों डुबा रहा है। डन, समझ में आया क्या सर? अगर समझ में आया तो अब अगला वाला। मैडम अभी तक ये मुश्किल तो नहीं लगा, हमने पहला कौन सा किया, पहला कौन सा किया बेटा? सर हमने पहला किया प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट। सर इसमें हमने क्या सीखा, बूढ़े पुराने लोगों से हमें सीखना है कि जो गलतियां उन्होंने करी वो हम ना करें, नाम नहीं लेंगे हम लोग बूढ़े पुराने का। दूसरा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मैनेजर, अगर मैनेजर को क्या करना है, अपने आप को ऐसे यूटिलाइज करना है,
मैनेजर को अपने आप को ऐसे यूटिलाइज करना जिससे किसका फायदा हो बेटा, कंपनी का। अगर उस कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जिससे उसका पर्सनल बाइसनेस चल रही है, पर्सनल लड़ाई चल रही है, तो भी उसको दूर रखना है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या है, रिसोर्सेज, और उसको कंपनी में यूज करना है बेटा। तीसरा बेटा अभी मैं कर रहा हूँ कौन सा है सर, साइंटिफिक डिसीजन। अभी तक मुझे पूरे चैप्टर में बात समझ में नहीं आई, ये डिसीजन और साइंटिफिक डिसीजन में क्या फ़र्क है, बताता हूँ बेटा क्या फ़र्क है। डिसीजन क्या होता है, मुझे उसके साथ जाना चाहिए, मुझे उसके साथ जाना चाहिए, ये डिसीजन है मेरा, मैं पूरी दुनिया से लड़के डिसीजन ले चुका हूँ, मुझे उसके साथ जाना चाहिए। नाउ साइंटिफिक डिसीजन क्या कहता है, साइंटिफिक डिसीजन क्या कहता है, अरे साइंटिफिक डिसीजन क्या कहता है, अबे प्रसन्नजीत सोच समझ के जा, वो शादीशुदा है, वो चार बच्चों की माँ है, मेरी बात समझे, ये साइंटिफिक डिसीजन है। लेकिन बेटा प्यार तो अंधा होता है, प्यार ऐसे डिसीजन भी अंधा होता है, लेकिन साइंटिफिक डिसीजन अंधा नहीं है, साइंटिफिक डिसीजन अंधा नहीं है। उसको दिखेगा क्या, उसकी उम्र, उसके चार बच्चे, समाज, डन, प्यार को नहीं दिखेगा बेटा। तो प्यार क्या है, डिसीजन जो कहां से लिया गया, दिल से, अपने को दिमाग से डिसीजन लेना है, मिलना है लेकिन अकेले में, कोई ना दिखे। हाउ सर क्या बोल दिया, साइंटिफिक डिसीजन, हाँ ये रिकॉर्ड हो गया, सॉरी मैं इसको कट करूंगा बेटा। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, अरे चार बच्चों की मां बोला ना सर, डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, थॉटफुल एंड जस्टिफिएबल इन टर्म्स ऑफ द इंटेंडेड पर्पस। ये कह रहे हैं सर आज की डेट में किसके चार बच्चे होते हैं, अरे दोस्त की शादी से पहले थे, दोस्त की शादी के बाद है, पहले वाले अनाथालय में। आओ इधर देखो सर, साइंटिफिक डिसीजन, आप तो मुझे जज करने लग जाते हो मैडम, बस पढ़ाने के लिए मैं ऐसी ऐसी चीजें यूज करता हूँ, बाकी आई एम नो वुमन मैन, अभी तक कोई वुमन ही नहीं है जिसका मैन बनू मैं। आओ आओ सर, पहला साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या है, डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, थॉटफुल एंड जस्टिफिएबल इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पस, जो पर्पस है उसके लिए बेटा। दूसरा, दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक और सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, डन सर, ये सारे वर्ड एज इट इज आपको याद होने चाहिए। तीसरा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, डन, अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल के मैनेजमेंट यूज करोगे तो वो आपको मदद करेगा किस चीज में, किस चीज में बेटा, थॉटफुल डिसीजन लेने में बेटा। अगला, दे इम्फेसिस द लॉजिक रादर देन ब्लाइंड फेथ, अभी बोला ना अंधा प्यार से दूर है, ये फैक्ट्स पे चलता है सर, अच्छी लड़की ढूंढो, डन, बिना दहेज के शादी करो, डन। आओ सर लास्ट, मैनेजमेंट डिसीजन टेकन ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस, ये सेम वर्ड मैंने ऊपर भी यूज किया, दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। बेटा अभी तक आपने तीन चीजें याद कर ली हैं इसकी और आपको अभी तक ये मुश्किल नहीं लगा है बेटा, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं NCERT ही। अगला सर, अगला, नालायक बच्चे नहीं, मीटिंग, अरे यार ये काम, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, ये डायनेमिक बोल रहा है क्या, ये डायनेमिक, हाँ ये डायनेमिक बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है, आप अपने आप को चेंज करते हैं ना किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट में, सर वही बात इसने लिखी है हर जगह, मैंने इसलिए भी इसमें हाईलाइट भी देखो बस कितना सा किया है। ऑल्दो द प्रिंसिपल आर इन नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस, ये बात तो हमें शुरू में ही पता थी, हमें कंसेप्ट में ही पता है कि प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, बट दे आर मॉडिफाइड एंड सच हेल्प मैनेजर टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट टू डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसके एग्जाम्पल में क्या बोला बेटा, इसके एग्जाम्पल को आप खुद पढ़ना, बहुत नॉर्मल है बेटा, डन, इसके लिए जितना आपको पढ़ना था मैंने वो आपको पढ़ा दिया बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली लाइन पढ़ा देता हूँ बेटा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल इम्फेसिस डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन बेटा, डन। अगली बात बेटा, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओए आपके लिए अभी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे है ना यार, चिप्स खा के यहाँ पर मत फेंका करो, टीचर से तमीज से बात किया करो, टाइम पे फीस लाया करो और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा करो, डन, समझ में आया क्या। आओ सर, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं सर,
मैंने मैडम आप ऐसे क्यों देखते हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द इंक्रीज अवेयरनेस, ओए ध्यान से देख ले बेटा, द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक फोर्सेस बिजनेस स्पेशली लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने ना इसको पढ़ाते समय, इन्होंने इसको पढ़ाते समय या ये वाला लिटरेचर लिखते समय एक वर्ड यूज कर दिया जिसके मैं खिलाफ हूं बेटा। इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया लिमिटेड कंपनी, जबकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक के लिए होनी चाहिए बेटा, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, नॉन पब्लिक कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, लेकिन इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया लिमिटेड कंपनी। अब कर दिया तो क्या करें सर, हम भी कर लेंगे। अगला, मैनेजमेंट की थ्योरी और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैव ऑल्सो इवॉल्व इन द रिस्पॉन्स टू दीज डिमांड। लेकिन आज के डेट में जो मैनेजमेंट की थ्योरी बनी हुई है या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, इसने भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखा है। मोर ओवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑल्सो अज्यूम्स न्यूअर एंड कंटेम्प्रेरी मीनिंग विद द चेंजेस इन टाइम। सो इफ वन वर टू टॉक, ध्यान से बेटा, ऑफ इक्विटी टूडे इट डज नॉट अप्लाई टू वेज अलोन, जबकि किस किस पे अप्लाई हो रहा है। However, the following come under the purview of this principle. क्या क्या बेटा? Value of customer, care of the environment और तीसरा dealing with the business associate। बोला आज आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि वेज दे दो काम खत्म करो, नहीं सर, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन किताब में तीन बातें लिखी है, पहला value of customer, दूसरा environment का, और तीसरा जिसके साथ आप डील कर रहे हो उसका भी ध्यान रखो बेटा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया बेटा, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। As an application of this principle, we find that public sector undertaking, ये public sector undertaking कौन होता है बेटा, कौन होता है? ये तो short form लिख दिया मैंने, एक ऐसी company जिसके shares किसके पास है, government के पास है, तो हो गया public sector undertaking, have developed entire township as for BHEL बेटा, भारत heavy electronic limited, government company है बेटा, has developed रानीपुर इन हरिद्वार, उत्तरांचल में बेटा, दूसरा रानीपुर हरिद्वार है बेटा। वन मे ऑल्सो साइट द स्टोरी ऑफ श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ बेटा, इसकी कहानी आप पढ़ लेना किताब के अंदर है बेटा, जो कि किस पे बनी हुई है, इसी प्रिंसिपल पे बेटा, लिज्जत पापड़ की बात हो रही है बेटा। आपको क्या ये बात पता है, लिज्जत पापड़ के अंदर जितने भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं वो सबके सब है कह रहे हैं गरीब है, मैडम महिला है वो, महिला, अच्छा फीमेल बोला, महिला बोलना था आपको। आओ सर अगले में आते हैं, सर लास्ट है, लास्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडुकेशन एंड रिसर्च। भाई एक आपके हिसाब से क्या मैनेजर की भी ट्रेनिंग करानी चाहिए, पढ़ लिख के नहीं आएगा था, अरे करानी चाहिए, क्या उसको पढ़ाना भी चाहिए, रिसर्च भी कराना चाहिए, पता नहीं क्या पॉइंट बोल रहे हैं, अंदर चल के देखते हैं बेटा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, एज सच दीज आर यूज एज बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडुकेशन एंड रिसर्च। इसको दोबारा पढ़ो बेटा, दिमाग से उड़ जाएगा आपके। देखो क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। अगर मैनेजमेंट की थ्योरी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो वो प्रिंसिपल्स ही है। दूसरी बात, एज सच दीज आर यूज, लेकिन इसका यूज किस लिए हुआ, बेसिस फॉर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए, एडुकेशन के लिए एंड रिसर्च के लिए। एक मिनट सर, आपका मैनेजर जो पढ़ लिख के आया है उसको भी इसके प्रिंसिपल यूज करने, क्यों, ताकि वो क्या कर सके, खुद की ट्रेनिंग, खुद का एजुकेशन और नए रिसर्च। अगला, यू मस्ट बी अवेयर दैट एंट्रेंस टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज प्रिसीडेड बाय मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर किसी मैनेजमेंट कंपनी में, सॉरी इंस्टीट्यूट में, मैडम अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो कॉलेज में एडमिशन से पहले ही आपसे मैनेजमेंट वाले सवाल पूछ लेता है, अरे भैया पढ़ाओ तो सही, कहते नहीं नहीं आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आप अगर उस एप्टीट्यूड टेस्ट में पास हो गए तब हम आपका एडमिशन लेंगे। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में भी होता है बेटा ऐसा, हम पियानंद में भी ये चीज़ फॉलो करेंगे, एक तो पहले बच्चा नहीं है, एक बच्चा पास नहीं होगा टेस्ट में। दीज प्रिंसिपल प्रोवाइड बेसिक ग्राउंड
वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. प्रोफेशनल कोर्सेज सच इज एमबीए, एमबीए की फुल फॉर्म, वेरी गुड मैडम, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए ऑल्सो टीच दीज प्रिंसिपल एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम एट द बिगिनर लेवल. लर्न कैसे होगा, लर्न हो गया. दीज प्रिंसिपल इनेबल रिफाइनमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एज वेल एज बाय फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स. अब लास्ट पॉइंट बेटा, थस वी सी दोज टेक्निक्स लाइक ओ आर ऑपरेशन रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम, कानबान, काइजन हैव डेवलप्ड ड्यू टू द फर्दर रिसर्च ऑफ दीज प्रिंसिपल. अब बेटा ये जो है ना जस्ट इन टाइम, कानबान, काइजन, ये सब टेक्निक है. मैं इसमें से कुछ एक छोटा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे ये जस्ट इन टाइम क्या है बेटा, जस्ट इन टाइम सुनना मेरी बात. हम बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जब मैं गया वहाँ पे उसने 40 तरीके की सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स लिखे हुए थे. ये पनीर, फलान पनीर, ढिमकान पनीर, 40 तरीके की पनीर. मैंने कहा कि मुझे अपने रसोई में ले चलो. कहते क्यों, कहता मैंने ये 40 तरीके की पनीर देखनी. कहता भाई साहब आप पागल हो, कहता हम पे इस 40 में से कोई एक नहीं है, लेकिन आप जो मांगोगे हम बना के दे देंगे. मैं कहा ये क्या जादू है भाई. कहता सब कुछ अलग अलग है, किसी में ग्रेवी है किसी में नहीं है, किसी में मसाला है किसी में नहीं है. वो इस तरीके से कह रहा है, ये जस्ट इन टाइम टेक्निक है बेटा. ये जितने भी फास्ट फूड है ना ये सब जस्ट इन टाइम पे चल रहे हैं, इसमें कभी भी स्टॉक कंपाइल ही नहीं हो रहा, आता है बिक जाता है, डन. चलो सर हो गया ये भी खत्म. अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि ये याद कैसे होगा, मैं वो कराता हूँ.